हमारी कहानियाँ, हमारी यादें एक दिन सब मिट जाएंगी। चलो उन्हें शेयर करते हैं, इससे पहले कि वो मीत ना बन जाए। कसूर कोई ना, मुख कानू मोड़ गई है। खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, अरे इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। ये जोर नहीं है मैं क्या करूं, मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, अरे आशिक है ये जोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने उसे उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना। लाइफ में सर्वाइवल के लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ बनाते आने चाहिए। यहाँ पर खाने की बात हो रही है, और जहाँ तक रही मेरी बात, मुझे सिर्फ मैगी बनानी आती है। तो हेलो जी, मेरा नाम है मयूर, और कहानी कुछ ऐसी है कि हम वरूर से वापस आ चुके थे और अब अपनी तशरीफ लेके अपने घर निकलने वाले थे कि तभी दुष्या ने पूछा कि तुम लोगों ने कभी केले की चिप्स खाए क्या। हमने कहा नहीं। तो दुष्या ने प्लान बनाया कि आज मैं तुमको केले की चिप्स खिला कर ही घर भेजूंगा। एक तो मुझे दुष्या की रेसिपी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, ये बंदा YouTube पे देख के रेसिपी बनाता है। जब भी हम कोई नई फिल्म देखते हैं तो दुष्या को पता होता है कि हम अगले दिन उसका डिस्कशन करने वाले होते हैं, तो ये बंदा रात को एक्सप्लेनेशन देख के आता है, YouTube एक्सप्लेनेशन। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये जानने के लिए हम लोगों को 3 घंटे की पिक्चर देखनी पड़ी, ये बंदा 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन देख के आ गया। एक दिन मैं दुष्या को व्हाट्सअप किया कि भाई वन डिविजन सीरीज देख मस्त है, तो अगले दिन ये बता रहा है कि भाई वन डिविजन देखा क्या। दुष्या वांडा विजन ओके। जब से दुष्या के हाथ का नींबू पानी पीकर मेरा पेट खराब हुआ है, तब से मुझे इस बंदे की रेसिपी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। लेकिन सर्वाइवल के लिए जब बियर गिल खीड़े खा सकता है तो ये तो हम खा ही सकते हैं। तो वीडियो को टाइटल देते, दुष्या ने बनाए केले के चिप्स, केले ने बनाए दुष्या की चिप्स, मिशन बनाना। हाँ तो हेलो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है मिशन बनाना ओके। तो आज हम बनाने वाले हैं केले के चिप्स, और चिप्स बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके घर केले का पेड़ होना चाहिए। हाँ अगर नहीं है तो लगा लो। स्टेप नंबर 2, आप में से किसी महापुरुष को जाकर पेड़ पर से केले तोड़ने होंगे। और हाँ ध्यान रहे कि केले तोड़ते वक्त उसका लिक्विड आपके शर्ट पर ना गिरे, नहीं तो आपको नई शर्ट लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा रिस्की काम है, इसलिए बिना बकचोद दोस्तों के आप इसे अकेले ट्राई ना करें। फिर सारे तोड़े हुए केले एक जगह पर जमा करें और अपने दोस्तों को उसे धोने के लिए कहें। और दोस्त जहां काम कर रहे हैं वहां थोड़ी बकचोदी करें। और फिर आपको जरूरत पड़ेगी किसी चाकू या छुरी की, तो ध्यान रहे कि सीआईडी को पता ना चले। केलों को अच्छी तरह से छील लें, साथ ही अपने दोस्तों को इस तरह बातों में बहकाए रखें कि उन्हें बिल्कुल भी पता ना चले कि आपने कोई भी काम नहीं किया। भाई मैं तेरे को जानता हूँ, मेरे को 300 रुपए उधार दे वाले। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जबकि हमें कुछ बनाना आता नहीं है तो ये काम सबसे पहले कर ले। और दोस्त जब काम में लग जाए तो फिर से अपने नौटंकी शुरू करें। फिर केले को एक जगह पर लेकर उसे अच्छी तरह से चिप्स की साइज में छील दे। नमक और हल्दी दोनों पानी में मिलाकर उसमें चिप्स भिगो दे। और फिर से बता रहा हूँ, आपको अपने दोस्तों को बातों में इस तरह उलझाए रखना है
कि उन्हें बिल्कुल भी पता ना चले कि आपने कोई भी काम नहीं किया है। केले का केले चिप्स नेक्स्ट स्टेप, कढ़ाई में तेल लेकर उसको गर्म करें और फिर अपने चिप्स तलना शुरू करें। सोच रहा हूँ इनका एक यूट्यूब चैनल बना दूं और इनकी सारी रेसिपी उस पे अपलोड करूं। पैसा ही पैसा होगा। लगे हाथ दुशा ने फ्रेंच फ्राइज भी बनाना शुरू किया। आप लोगों के लिए ये बस एक मैच वीडियो होगा, पर मेरे लिए ये मेमोरीज है। कहते हैं ना कि जिंदगी काटने और जीने में काफ़ी फर्क होता है, तो ये वो पल है जहाँ हमें जीने का एहसास हो रहा है। कुछ देर बाद हमारे चिप्स बन गए और हम खाने के लिए बैठ गए। वैसे मुझे दुस्या की रेसिपी बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर आज जो बनाए इसकी एक अलग ही टेस्ट है दोस्ती की। ये वीडियो दुष्या के घर का आखिरी वीडियो है। इसके बाद दुष्या के पापा का ट्रांसफर होने वाला है और वो वनी जाने वाला है। इससे पहले मैंने अपने लाइफ के बेहतरीन पल एक मिलिट्री स्कूल में बिताए। वहाँ पर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं थे, तो सारी यादें डायरी में रह गई। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन है, तो अब मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ के खूबसूरत यादें कैमरे में कैद करूं और आपके साथ बांटूं। और बुरे दिनों में मैं जब ये वीडियोस देखूं तो मुझे एक अलग ही सुकून मिले। हमारी कहानियाँ, हमारी यादें एक दिन सब मिट जाएंगी। चलो उन्हें शेयर करते हैं, इससे पहले कि सब मीत ना बन जाए। HK style. Tujhe mula dala rani maja nashiba ta wada pa.